जल प्रोक्षण मंत्र से अग्निदेव को सिंचित करेंगे और पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में करेंगे और फिर चारों तरफ अग्निदेव को हम जल से सिंचित कर लेंगे। ओम आदिते अनुमन्य स्वाहा। जल को ले लीजिए माता जी, जल ले लीजिए। हाँ, अब हाथ में लेकर के और यहाँ से वहां गिरा दीजिए पूरा उस कोने तक। आप इसे न ले लीजिए, हो गया, इधर देना है, रख दीजिए। ओम अनुमते अनुमन स्वाहा। पश्चिम दिशा में पूरा भिगाइए, यहाँ से वहां तक ऐसे भिगा दीजिए लगातार, यहाँ से वहां तक, बहुत अच्छा। और तीसरे मंत्र से वहां से गिराएंगे, जब मंत्र बोलेंगे तब जल ले लीजिए। ओम सरस्वते अनुमन स्वाहा। उस कोना से वहां तक दे दीजिए, पश्चिम से पूरब की तरफ। अब चौथे मंत्र से माता जी उधर से यहाँ ले आइएगा, अभी नहीं देना है। ओम देव सविता प्रसुवा यज्ञम प्रसुवा यजपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केत पू केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। गिराइए वहां से, बहुत अच्छा। अब ये अग्निदेव को हमने प्रार्थना की है, अग्निदेव आप जैसे हम घर में कभी चूल्हा जलाते हैं तो वहाँ एक लोटा जल रखते हैं ताकि चूल्हा से कभी अग्नि बाहर ना आए, वहां रख दीजिए बहन। तो जल प्रोक्षण के बाद ओम।